नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ हूँ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। हमारे साथ आज हैं संजय घोषी, ग्रुप कमांडर एनसीसी। आज यहाँ पर ये आए हैं रातीबर पटेल कॉलेज में, एक कैंप लगा है। ये कैंप में जो बच्चे हैं यहाँ से भेजे जाएंगे रायपुर में रिपब्लिक डे की ट्रेनिंग के लिए, तो सिलेक्शन करने के लिए आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की ये सिलेक्शन है और कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होकर वहाँ पर जा रहे हैं रायपुर, और कैसे मोटिवेटिव करते हैं ये सब बच्चों को, किस प्रकार से रिपब्लिक डे की तैयारी चल रही है। देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए और वहाँ पे जो एनसीसी का कैंप लगता है करीबन महीने भर का, उसमें देश भर के 17 डायरेक्टरेट से करीब 2,500 से 3,000 बच्चे आते हैं। ये वो चुनिंदा कैडेट्स हैं जो हर क्षेत्र में ड्रिल से लेके और भी सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके लिए उनको तैयार किया जाता है। जब नीचे लेवल से बटालियन से ग्रुप ग्रुप से डायरेक्टरेट की टीम बनती है तो उसमें कई स्टेजेस से ये गुजरते हैं। आज यहाँ पे मेरे पास जितने 8 बटालियन हैं पूरे भोपाल ग्रुप में, जो कि गंज बसोदा से लेके तकरीबन इटारसी तक फैला हुआ है मेरा इलाका, उसमें से कुछ एक जो भोपाल के बटालियंस हैं और विदिशा के, वो आज यहाँ आए हुए थे। मैं इनका चयन कर रहा हूँ कि इनमें से कौन ड्रिल में अच्छा होगा जो कि राजपथ पे चल सकता है, जिसका चयन हो सकता है, जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं, तथा जब प्रधानमंत्री एनसीसी डे के परेड में आते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो कंटिंजेंट बनेगा उसमें से यही लड़के लड़कियाँ कौन सिलेक्ट होंगे। जब मैं इनमें से सिलेक्ट कर लूँगा तब इनको हम रायपुर भेजेंगे। रायपुर में पूरे डायरेक्टरेट का कैंप लगेगा जो कि 13 नवंबर से शुरू होगा, करीब 3 से 4 कैंप होंगे और फाइनली वहां से सिलेक्ट होकर बच्चे 31 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी प्रक्रिया में सबसे पहला चयन भोपाल ग्रुप से हो रहा है और इसमें से अभी मैं क्वांटम तो नहीं बताऊंगा, नंबर कितने सिलेक्ट करने वो अभी डायरेक्टरेट से आएगा, लेकिन आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि मैं देख सकूं कि इनके ड्रिल की काबिलियत कितनी है और इसमें से कितनों को रायपुर भेजा जा सके। और ये थे संजीव घोष जी, उन्होंने सारा ब्रीफिंग हमें बताया कि किस प्रकार से जो है यहाँ से बच्चे जो है भोपाल रीजन से सेलेक्ट होकर रायपुर जाएंगे नवंबर में, फिर वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे बच्चे आएंगे, सिलेक्शन होगी, तब जाके कहीं ये रिपब्लिक डे की परेड में कुछ जो बच्चे होते हैं, लगभग कितने बच्चे करीब होते होंगे? तकरीबन हमारा जो पूरे प्रदेश का कंटिंजेंट होगा 121 लड़के लड़कियों का होगा जो दिल्ली जाए, तो इनमें से नेवी एयर आर्मी विंग से तथा SD एयर आर्मी विंग से तथा SD SW तथा आज आपने नहीं देखा जूनियर विंग और जूनियर डिवीजन के भी बच्चे जो नवी दसवीं में पढ़ते हैं का अलग से मैं चयन कर रहा हूँ, वो भी इसी में शामिल है, तो समझ लीजिए 121 लड़के लड़के दिल्ली पहुँचेंगे। देखिए कितना मुश्किल है ये कैंप, कितना आसान नहीं है। जो रिपब्लिक डे की परेड में जो बच्चे जाते हैं हमें लगता होगा कि बड़े आसानी से सिलेक्शन होती है, अभी 1,00,000 बच्चों का ये सिलेक्शन होगा, उसमें से मात्र 121 बच्चे जो है वो रिपब्लिक डे की परेड में जाएंगे, उसमें सिलेक्शन की जाएगी, कौन से बेस्ट कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो
ये हमारे साथ थे आज अपने संजय घोष जी, मैं इवन न्यूज चैनल से अर्जुन कुमार। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।